नेक्स्ट आता है अपना इम्प्रूवमेंट फिलिंग। टर्म से दिख रहा है आप जो फिलिंग कर रहे हो वो कर रहे हो इम्प्रूवमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास जो 100 या 1000 हेक्टर का जो फॉरेस्ट था तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट होंगे जो वोल्फ ट्रीज है, मीन्स जिनका स्टेम या क्राउन सही नहीं है, वो किसी दूसरे ट्री के क्राउन को इनक्रोच कर रहे हैं या उनका स्टेम बाइफर्केट हो रखा है, इरेगुलर है। तो आप उन्हें हटा देते हो, कलिंग करते हो। क्यों करते हो? उसके पीछे एम है कि जो रिमेनिंग प्लांट बचेंगे वो प्रॉपरली ग्रो कर पाए। ये जो वुल्फ ट्री है वो इस टाइप के, जैसे सोसाइटी में 2-4% जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं, उसी टाइप के प्लांट हैं। तो इनको जो रिमूव कर देते हो, इससे जो फिलिंग है उसको टर्म देते हैं इम्प्रूवमेंट फिलिंग। ओके, यहाँ पर आके अपना जो हाई फॉरेस्ट सिस्टम है वो लगभग ख़त्म हो जाता है। अब अपना जो दूसरा पार्ट बचता है सिल्वीकल्चर सिस्टम का, कोपाइस वाला, वो लेते हैं। देखो, कोपाइस सिस्टम मीन्स वो फॉरेस्ट सिस्टम जिनका रीजनरेशन कोपाइस के थ्रू हो रहा है। मीन्स ये यूजुअली बिल्कुल वही होंगे जो हाई फॉरेस्ट सिस्टम के हैं, बस डिफरेंस केवल इतना है कि इनका रीजनरेशन कोपाइस के थ्रू हो रहा है। तो अगर क्लियर फिलिंग सिस्टम है जिसका रीजनरेशन कोपाइस से हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे सिंपल कोपाइस सिस्टम। क्लियर फिलिंग वाले सिस्टम के बाद दूसरा आया था अपना सेल्टर वुड। तो अगर सेल्टर वुड सिस्टम कोपाइस से हो रहा है तो उसे बोलेंगे सेल्टर वुड कोपाइस सिस्टम। और तीसरा सिस्टम आपने, पहला क्लियर फिलिंग, दूसरा सेल्टर वुड और तीसरा था सिलेक्शन। तो अगर सिलेक्शन हो रहा है तो कोपाइस सिलेक्शन सिस्टम। इसके साथ साथ कोपाइस के दो सिस्टम और हैं, कोपाइस विथ स्टैंडर्ड और कोपाइस विथ रिजर्व, और एक लास्ट है पोलार्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोलार्डिंग, इस पर काफ़ी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखो, इसमें कुछ एडवांटेज एक्स्ट्रा मुझे यहाँ कुछ पढ़ाना नहीं है आपको, बिल्कुल इसके सेम थिंक वही होगा जो हाई फॉरेस्ट सिस्टम के थे, वही एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे। बस डिफरेंस इतना होगा कि वहाँ पर रीजनरेशन आर्टिफिशियल था, यानी कि सीड से था, यहाँ कोपाइस से होगा। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज में जो केवल फ़र्क पड़ेगा वो केवल रीजनरेशन वाले पॉइंट पे पड़ेगा। ओके, तो पहला देख लेते हैं सिंपल कोपाई सिस्टम। ये क्या है? ये बिल्कुल क्लियर फिलिंग सिस्टम है, बस इतना फ़र्क है जो मैंने अभी बोला कि उसे आपने क्लीन कर दिया और नया फॉरेस्ट जो रीजनरेट होगा वो कोपाइस वाला होगा। तो यहाँ पर टेंडिंग ऑपरेशन में एक चीज़ जुड़ जाएगी, वो जुड़ेगी सिंगलिंग। सिंगलिंग मतलब जब जो नीचे स्टम्प छूटता है उसे बहुत सारे स्टम्प ग्रो कर देते हैं, उनमें से किसी एक को छोड़ देंगे जो सबसे बेस्ट होगा, जो सबसे स्टेम जो सबसे ज़्यादा सही स्ट्रेट हाइट में होगा और वॉल्यूम उसका सही एवरेज दिख रहा होगा, स्ट्रेट होगा, उसे छोड़ के रिमूव, बकाए के रिमेनिंग को रिमूव कर देंगे, उसे बोलते हैं सिंगलिंग। इसे हम बीटिंग अप भी बोलते हैं, एक टाइप से स्पेसिंग क्रिएट कर देते हैं, रिमेनिंग तो सेम ही रहेंगे। क्रॉप कैसी होगी? जैसे क्लियर फिलिंग में इवन एजिड थी, वही यहाँ पर होगी, क्योंकि एक बार में आपने क्लीन किया है पूरा वेजिटेशन, तो वहाँ से जो कोपाइस ग्रो करेंगे वो भी बिल्कुल एक ही एज के होंगे ना, क्योंकि सबकी सब कोपाइस एक साथ आएंगे। दूसरा अगर देख लेते हैं सेल्टर वुड कोपाइस सिस्टम, कोपाइस ऑफ टू रोटेशन, कोपाइस विथ स्टैंडर्ड एंड कोपाइस विथ रिजर्व, और पोलार्डिंग जो अदर बच रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। सेल्टर वुड कोपाइस सिस्टम बिल्कुल वही मैंने बोला, सेल्टर वुड में का जो ओरिजिन है वो अगर कोपाइस से हो रहा है तो वो हो गया। मीन्स जैसे क्लियर फिलिंग और सेल्टर वुड में क्या डिफरेंस था कि सेल्टर वुड के टाइम पे एरिया को तो जनरली क्लीन करते हो लेकिन 25 से 50 के बीच में पेड़ छोड़ देते हो, तो वैसे ही यहाँ पर करेंगे हम, पूरा पूरा एरिया को कोपाइस मीन्स क्लीन तो करेंगे लेकिन 25 से 50 प्लांट छोड़ देंगे, रिमेनिंग वही रहेंगे, बस उनका रीजनरेशन कोपाइस होगा। यहाँ पर कोपाइस ऑफ टू रोटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, आप ऐसे समझ लो कि आपके खेत में पॉपुलर लगा हुआ है 1 हेक्टर के में, और पॉपुलर का जो रोटेशन पीरियड है वो है 10 साल, मींस क्रॉप जो आज लगाओगे 10 साल बाद मैच्योर हो जाएगी। तो आप क्या करते हो कि आज से क्रॉप लगाई और अगले 10 साल बाद क्रॉप मैच्योर हो चुकी है, लेकिन क्योंकि आपको चाहिए कि मार्केट में कुछ लॉग ऐसी भी डिमांड है लॉग्स की जो थोड़ा ज़्यादा मोटा होना चाहिए या ज़्यादा लेंथ होनी चाहिए या कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे कि 10 साल बाद जो आपके 100 प्लांट थे उनमें से 90 को तो काट लोगे लेकिन कुछ प्लांट को छोड़ दोगे। ठीक है, क्यों छोड़ दोगे?
कि भाई अगर हम ये 10 को छोड़ देंगे, ये सेकंड रोटेशन कोपाइस वाला स्टार्ट होगा, उसके साथ साथ ये भी लगे रहेंगे, तो होगा क्या कि जब अगले रोटेशन मतलब ये 10 साल कवर करने के बाद जो अगले 10 साल आएंगे उसमें ये प्लांट गुजार चुके होंगे 20 ईयर, तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो कंपेरेटिवली लगभग डबल तो नहीं होगा, लेकिन 1.6 या 1.7% तक हो जाता अगर इनका 1 ले ले तो। जो लार्ज वॉल्यूम के ट्री करना है उसके लिए होता है कोपाइस ऑफ 2 रोटेशन सिस्टम, मीन्स इसमें मेजोरिटी को तो हम कट कर देते हैं लेकिन इन्हें कुछ पेड़ों को छोड़ देते हैं 5-10% एज पर मार्केट डिमांड, और जब दूसरे रोटेशन के टाइम पर इन्हें कट करेंगे तो जो दूसरे रोटेशन शुरू हुआ था उसके कुछ पेड़ छोड़ देंगे, इस टाइप से ही चलता रहता है। तीसरा, ये बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इसे बोलते हैं कोपाइस विद स्टैंडर्ड सिस्टम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें काफ़ी क्वेश्चन भी एक आध दो बार आए। स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो सीड से जनरेट हों, क्योंकि यूजुअली जो हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड है किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड है, तो फॉरेस्ट में रिजनरेशन का जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है स्टैंडर्ड सीड से ओरिजिन होना, यानी कि आर्टिफिशियल। तो यहाँ जहाँ भी स्टैंडर्ड टर्म यूज आएगा उसका मतलब वो आर्टिफिशियल वाले हैं, मीन्स आर्टिफिशियली अपने रिजनरेट प्लांट यानी कि सीड से रिजनरेट प्लांट है। तो कोपाइस विद स्टैंडर्ड सिस्टम का मतलब है कि यहाँ कोपाइस सिस्टम भी है और स्टैंडर्ड सिस्टम यानी कि सीड जनरेटेड भी है, तो ये ऐसा है जिसमें हाई फॉरेस्ट और कोपाइस फॉरेस्ट दोनों का मिक्सअप है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एक तो सीड वाले प्लांट लगाते हैं, मतलब नर्सरी लगाए आर्टिफिशियल, ये प्लांट लगाते हैं, ये बनाते हैं टॉप कैनोपी, और जो कोपाइस वाले होते हैं उन्हें लगाते हैं लोअर कैनोपी में, मतलब दो अलग अलग डिफरेंट हाइट के प्लांट लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों के रोटेशन अलग अलग चल रहे हैं, मीन्स सपोज आपने अगर आप महाराष्ट्र से हैं और टॉप कैनोपी आपने टीक की लगा दी और नीचे चंदन लगा रखा है, टीक है 20 साल के लिए फॉर एग्जांपल और चंदन है 25 साल के लिए, तो ऊपर वाले का रोटेशन पीरियड अलग चलेगा, नीचे वाले का अलग चलेगा। ऊपर वाला अपने आप में इवन एजेड होगा, नीचे वाला अपने आप में इवन एजेड होगा, मीन्स नीचे सभी चंदन इवन एजेड होंगे, लेकिन अगर ऐसे होल देखोगे तो एक लिमिट में थोड़ा अन इवन एजेडनेस दिखेगी, क्योंकि ऊपर की और नीचे की अलग अलग हो सकते हैं। पैटर्न ऑफ फिलिंग क्या होगा? ऊपर का वो वही है ना कि आप एक टाइप से दो सिस्टम एक साथ लेके चल रहे हो, लेकिन इसके साथ एडवांटेज क्या है, मेन मुद्दा है हम करते क्यों हैं इसे, इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपकी टॉप कैनोपी है, मीन्स ऐसे प्लांट जो शेड में ग्रो करते हैं वो भी ऐसे टॉप कैनोपी के अंदर इजीली ग्रो कर लेते हैं। बहुत सारे प्लांट हैं जो ट्रॉपिकल की इतनी ज़्यादा हीट हार्डनेस को नहीं एडजस्ट कर सकते, मीन्स सब ट्रॉपिकल के प्लांट हैं जिन्हें आप नीलगिरी रीजन में ग्रो करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही करोगे, या फिर ऐसे समझ लो कि अगर आपको ये फॉरेस्ट्री जो प्रैक्टिस सही है आपने फार्म फॉरेस्ट्री के अंडर कर रहे हो और आप चाहते हो कि ऐसी कोई स्पीसी जो सब ट्रॉपिकल की है उनको उसके अंदर ग्रो कर लो, जैसे कि पान का कल्टीवेशन करते हैं तो उसे हम सेट चाहिए तो हम उसे उसके नीचे ग्रो करना चाहते हैं, तो इस टाइप की कंडीशन वहाँ काफ़ी आराम से करते हैं। कोपाइस विद स्टैंडर्ड मीन्स एक कोपाइस है, लोअर कैनोपी जनरली कोपाइस की होती है और अपर जो कैनोपी होती है वो होती अपर वेजिटेशन जो होती है सीड की, ठीक है। अब इसके एडवांटेज मैंने बता दिए, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा, जब आप अपर पेड़ काटोगे तो लोअर जो नीचे के होते हैं वो वैसे ही खाली पीली में मर जाते हैं, क्योंकि जब ऊपर का कट के गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, नीचे वाले पे गिरेगा। ओके, अब अपन आते हैं पुलार्डिंग सिस्टम पे लास्ट में, ये है क्या? मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि जो कोल्ड डेजर्ट के हैं सेलिक्स वगैरह इनमें पुलार्डिंग बहुत होती है। सेलिक्स है हार्डविकिया बिनाटा है और बोसविलिया सेराटा सलाई। तो इसमें होता क्या कि 1 से 1.5 मीटर हाइट पर प्लांट को काट दिया जाता है और उसमें कोपाइस कहाँ, वहीं से ग्रो करेगी। अब इसे करते क्यों हैं, क्योंकि पहला तो आपने इसे ऊपर से वहाँ से क्यों किया, जिससे कि ब्राउजिंग एनिमल उसे डैमेज ना पहुँचा पाए। दूसरा वही है कि पुलार्डिंग जब करते हो तो उसमें उससे बहुत सारे कोपाइस निकलेंगे, तो आप सिंगलिंग तब करेंगे जब आपको टिम्बर चाहिए, लेकिन मीन्स टिम्बर मीन्स स्ट्रेट लॉग, बड़ा वाला लॉग चाहिए, तब आप सिंगलिंग करेंगे क्योंकि वो एक कोई एडजस्ट सही कर पाएगा। लेकिन अगर आपको फ्यूल बोर्ड चाहिए, पेपर के लिए फाइबर बोर्ड चाहिए मीन्स फाइबरस स्टेम चाहिए, या फिर आपको जैसे सेलेक्स वाले जो इंडस्ट्री है इन्हें ये एक ज़्यादा मोटाई का प्लांट नहीं चाहिए, इन्हें तो बस
एक जो क्रिकेट बैट बनाना है उसकी डायमीटर का अगर कोई टिम्बर मिल जाए बस इनफ है। तो इसके लिए इनके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसमें सात आठ जो स्टेम है उन्हें ग्रो करने देते हैं, जिससे एक एक ही लॉक से उतने नहीं निकल पाते जितने वो सात आठ से निकल आते हैं। तो इस टाइप से पोलार्डिंग करते हैं। पोलार्डिंग थोड़ा याद रखें कि कोपाइस वाले वो जो सिस्टम है उसके अंडर आ जाता है। तो यहाँ पर अपना जो ऑलमोस्ट है कोपाइस सिस्टम हो गया और हाई फॉरेस्ट हो गया। अब इन दोनों के अलावा एक थोड़ा एक कुछ टर्मिनोलॉजी है उसे देख लेते हैं। तो उसमें पहला होता है कन्वर्जन। ये यहाँ पर आपके लिए डिस्कशन का ऑब्जेक्ट नहीं है कि कन्वर्जन कोई सिल्वीकल्चर सिस्टम है या नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ कन्वर्जन कुछ होता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन और इसके इम्पोर्टेंस ही क्वेश्चन निकल आते हैं, आपको इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। यूजुअली हम कन्वर्जन को कोई सिस्टम नहीं मानते, पहले ये समझते हैं कन्वर्जन है क्या। जैसे हिंदू मुस्लिम कन्वर्ट होते हैं बस वैसे ही है। एक सिल्वीकल्चर सिस्टम है उसको आप दूसरे सिल्वीकल्चर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर किसी ट्री का रोटेशन 40 साल था, आप चाहते हो कि नहीं अब तो हमारे पास एडवांस सीड आ गया है, हाई जेनेटिक प्योरिटी के हैं, जो ग्रोथ वो 40 साल में करते थे वो अब वो 15 साल में ही कर रहे हैं। तो आप जब नई जनरेशन लगाओगे तो पुरानी जनरेशन को एक टाइप से एडजस्ट करना पड़ता है, जिससे आपका जो एनुअल कट है वो बराबर आ जाए, स्पेशली वॉल्यूम। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना, एक टाइप के सिल्वीकल्चर सिस्टम से दूसरे टाइप के सिल्वीकल्चर सिस्टम में जाना, या रोटेशन पीरियड है उसे लॉन्ग करना या शॉर्ट करना, ये जिस सिस्टम में किए जाते हैं जिस तरीके से किए जाते हैं उसको बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन पे क्वेश्चन है व्हाट इज कन्वर्जन, तो मैंने आपको दोनों ही बताया, रोटेशन वाला पीरियड और सिस्टम वाला, आपको यहाँ दोनों ही लिखना है। ये आपको डिफ्रेंशिएट करेगा उन लोगों से जिन्होंने केवल सिल्वीकल्चर सिस्टम को ही ध्यान दिया। ओके, डिस्कस द नीड ऑफ कन्वर्जन ऑफ बल्ब वन सिल्वीकल्चर सिस्टम टू एनोदर। अब कन्वर्जन की ज़रूरत क्या है, या कन्वर्जन एक्चुअली है क्या। अभी आपसे बोला कि जब एक सिल्वीकल्चर सिस्टम है, सपोज क्लियर फिलिंग था, उसके बहुत सारे इशू हो गए थे, जहाँ पर हमने क्लियर फिलिंग कर रहे थे स्टार्टिंग हमने की कोई हिली एरिया से, वहाँ पर साला कर दिया तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम हो गई। तो सॉइल इरोजन हो गया, अदर इशू हो गए, तो अब हम सेंटर वुड में जाना चाहते हैं तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा उसका। तो यहाँ पर बोला डिस्कस द नीड ऑफ कन्वर्जन, आपको कन्वर्जन की ज़रूरत क्यों है। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि ये समझ में आ गया कि आपको क्लियर फिलिंग से सेंटर वुड में आने की ज़रूरत क्या है, वही नीड यहाँ है, वही है, शब्द वही है, बस शब्दों का खेल है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन द फॉरेस्ट कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ कोपाइस सिस्टम टू यूनिफॉर्म ब्रॉड लीव्स हाई फॉरेस्ट बाय नेचुरल रीजनरेशन। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको एक कन्वर्जन करना है, कोपाइस सिस्टम है कोई भी ले लो, सपोज फॉर एग्जांपल अपने के लिए आसान जाएगा, यहाँ पर बोला यूनिफॉर्म ब्रॉड लीव हाई फॉरेस्ट सिस्टम, हाई फॉरेस्ट सिस्टम, और उसमें भी बोला यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ, सेल्टर वुड यूनिफॉर्म। तो ये बोला आपको कोपाइस सिस्टम से सेल्टर वुड यूनिफॉर्म में जाना है, तो आप कैसे करोगे, क्योंकि सेल्टर वुड यहाँ पर बोल रहा है नेचुरल रीजनरेशन बाय नेचुरल रीजनरेशन, तो आपको पहले तो सीड से ही जाना है, और वो भी सीड का नेचुरल रीजनरेशन करवाना है, और वो भी सेल्टर वुड में। तो आप एक काम कर लो, यहाँ पर कोपाइस विद स्टैंडर्ड्स है, सीधे कूद जाओ उसमें, कोपाइस विद स्टैंडर्ड्स है, यूनिफॉर्म सेल्टर वुड सिस्टम है, बस आपको अब इसे करोगे कैसे, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपने जो कोपाई सिस्टम था उसे काट दिया, आप क्या करोगे कि स्टेम को उसके साथ साथ जो उसका जो स्टम्प जो नीचे का तना वाला पार्ट बच जाता उसको भी निकाल दोगे, और वहाँ पर जो प्लांट है मीन्स सॉरी जब आपने कटिंग की थी उस कटिंग के टाइम पर आप सीड जो जर्मिनेट होंगे नीचे उन्हें ग्रो करने दोगे। मीन्स एक पेड़ जो मैच्योरिटी पे जैसे आप काटने वाले थे उसने सीड्स तो प्रोड्यूस किए होंगे ना, आप उन्हें ग्रो करने दोगे और उनमें से थोड़े थोड़े काट के कैनोपी को धीरे धीरे रिलीज करोगे, जिससे कि आपको सेल्टर वुड सिस्टम वाला डेवलप आए, पहले सीडलिंग फिलिंग इंटरमीडिएट फिलिंग और फाइनल फिलिंग वो वाला सिस्टम करोगे, और जब कट करोगे तो जो नए प्लांट्स और कोपाइस ग्रोथ कर रही होगी उस कोपाइस को आप साफ करते रहोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा पुराने प्लांट साफ हो जाएंगे,
कोपाइस कोई रहेगी नहीं, और जो भी रहेंगे वो सबके सब सीड वाले होंगे। तो इसे आप इस टाइप से इजीली लिख सकते हो। ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई भी सिस्टम आ जाए, आपको तरीका वही याद रखना है कि सेल्टरवुड की क्या एप्लीकेशन है, उस टाइप से जाओ। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर मुद्दा आता है चॉइस ऑफ सिल्वीकल्चर सिस्टम। पहला इशू है कि आप किसी एरिया में कौन सा सिल्वीकल्चर सिस्टम अप्लाई करेंगे, तो आपके पास चॉइस क्या है, यानी कि आप किस टाइप का सिल्वीकल्चर सिस्टम अप्लाई करना चाहते हो। तो वही है कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एरिया कैसा है, हिली है या प्लेन है, वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, जो स्पीसीज आप लगा रहे हो वो लाइट डिमांडर है या सेट बियर है या सेट डिमांडर है, अदर फैक्टर बायोटिक फैक्टर कैसे है। अगर वहाँ पर फॉरेस्ट राइट वाले ज़्यादा इशू है तो आपको थोड़ा क्लियर फिलिंग टाइप की अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर या क्लियर फिलिंग या सेल्टर वुड कोई भी करो, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो रीजनरेशन होगा वो कंसनट्रेटेड होगा, डिफ्यूज नहीं होगा, पूरे एरिया में फैला नहीं होगा। तो इस टाइप के जो फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपको उसमें एक भी याद रखना कि मार्केट डिमांड कितनी है। मार्केट डिमांड ज़्यादा है तो आप क्लियर फिलिंग या सेल्टर वुड करोगे, अगर मार्केट है ही नहीं, बहुत ही कम है, तो आप क्या करोगे, सिलेक्शन सिस्टम। लेकिन अगर मार्केट लॉग बड़े लॉग और छोटे लॉग दोनों का है तो आप क्या कोपाइस विद स्टैंडर्ड टाइप का कर लोगे या कोपाइस विद रिजर्व कर लोगे। ओके, इस टाइप के सिस्टम आप करके आगे चलोगे, मीन्स इस टाइप की चॉइस करोगे आपका। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बहुत आता है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है कि ड्यूर वर्ल्ड कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, तो ड्यूर वर्ल्ड एक जर्मन होता था, आप ऐसे समझ लो कि अमेरिकन्स हो, इनने कुछ नहीं किया, अमेरिकन्स या रशियंस, इनका हिस्ट्री में या स्पेशली साइंस टेक में बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है। इनका जो बैक बैक जो है पेस जो बनाया, वो बनाया जर्मन्स ने, चाहे वो न्यूक्लियर रिसर्च हो या कोई अदर टेक्नोलॉजी हो, जैसे होम्योपैथी है, वैसे ये जो फॉरेस्ट ही है जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, उसका टोटल जो फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है वो जर्मनी में शुरू हुआ, वहीं से था ये ड्यूर वर्ल्ड। जर्मनी की स्टोरी आगे भी चलेगी, फॉरेस्ट मैंसुरेशन में आएगा, ब्रेस्ट हाइट, वो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो फॉरेस्टर थी वो लेडी थी और वो भी जर्मन थी, एक्चुअली जर्मनी में शुरू किया। जर्मनी को हम बाद में देखेंगे इस स्टोरी को, यहाँ पर ड्यूर वर्ल्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ये टर्म है क्या, इन्होंने बोला कि देखो, आप दो टाइप के सिस्टम देखते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप अपने एरिया को क्लीन कर देते हो, जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप क्लीन करते हो, तो उसे हम बोल देते हैं क्लियर फिलिंग सिस्टम, और एक दूसरा सिस्टम जिसमें आप अपने एरिया को क्लीन नहीं करते हो, एक बार में मीन्स कैनोपी एकदम ओपन नहीं करते। तो बोला एक काम करेंगे, हम इन पूरे सिस्टमों को दो दो हिस्सों में बांट लेंगे। एक वो टाइप के लोग हैं जो एक बार में क्लीन करते हैं, क्लियर फिलिंग सिस्टम है, दूसरे वो जो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं हम ड्यूर वर्ल्ड सिस्टम। बस इतना याद रखना है, इसकी डेफिनेशन देख लोगे समझ में आ जाएगा कि ड्यूर वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है क्या। बस इतना कॉन्सेप्ट समझना है, काम हो जाता अपना। अब यहाँ पर मुद्दा आता है मैनेजमेंट ऑफ बम्बू फॉरेस्ट। ओके, बम्बू फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप उसमें देखोगे। देखो, बम्बू फॉरेस्ट में दो टर्म यूज होते हैं, एक होता है कलम और दूसरा होता है क्लम्प। क्लम्प होते हैं जो बम्बू का जो एक स्टेम होता है उसे बोलते हैं कलम, और बम्बू के जो स्टेमों का जो गुच्छा बनता है उसे बोलते हैं क्लम्प। तो जनरली ये गुच्छे गुच्छे में होता है, ठीक है। दूसरा, बम्बू है क्या, ग्रास है। बस इतना है कि जो ग्रास होती है, पहले अपनी ग्रास को देखो, ग्रास क्या होती है, 6 मंथ का अगर पीरियड है तो जैसी बारिश आई ग्रास वहाँ पर उगाती है, और वो जब तक मॉइस्चर रहती है उतनी पीरियड में 3-4 मंथ में अपनी पूरी की पूरी रीजनरेशन शुरू कर देती है, और लास्ट तक मानसून के एंड तक आते आते अपनी लाइफ ख़त्म करते हुए वो सीड प्रोड्यूस करके पूरी पूरी ग्रास साफ हो जाती है। ये बात आपको आसानी से पता है। अगर यही ग्रास पेरिनियल हो जाए, मीन्स 5 साल की हो जाए, तो क्या होगी, क्योंकि अब ज़्यादा बेटर है पहले के कंपेयर में, सपोज़ ये एडवांटेज है इसको या एडेप्टेशन है, तो ये 5 साल बाद जाएगी, एकदम ग्रोथ करेगी और पूरी पूरी ग्रास एकदम 5 साल बाद डेथ कर जाएगी। तो यही रीज़न है कि बम्बू क्या है, ग्रास है। इसका रीजनरेशन क्या होता है, लगभग 40 से 50 साल का ही, अलग अलग स्पीसीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। बट मुद्दा क्या है कि जैसे ग्रास है, अगर बम्बू सेम स्पीसीज है
तो जब वहाँ पर डेथ होगी, जब सबकी सबकी एक ही एज होगी और सबके में फ्लावरिंग एक टाइम पे आएगी, सपोज 25 साल बाद, तो फ्लावरिंग के बाद तो ग्रास को डेथ करना होता, तो ऐसी बंबू डेथ कर जाता है। अब क्योंकि ये एक ही स्पीसीज एक बहुत बड़े एरिया में फैली होती है, इसलिए इसकी पूरी में जब फ्लावरिंग एक साथ आता है तो पूरा पूरा जंगल एक साथ फ्लावरिंग कर रहा होता है, तो इसलिए इसकी फ्लावरिंग को बोलते हैं ग्रिगेरियस फ्लावरिंग। ठीक है, पहले इसी ग्रिगेरियस से समझ लेते हैं। अब एक बात समझो कि जब सपोज 100 हेक्टर का एरिया था जिसमें पूरा बम्बू लग रखा था, अब ये एकदम डेथ किया तो पूरा पूरा एक साथ डेथ कर गया, नए सीड बने। अब नए सीड से जो नई वेजिटेशन आएगी वो भी तो एक ही साल की है, तो अगले 25 साल बाद वहाँ फ्लावरिंग होगी तो वो सबके साथ फिर से पूरी फ्लावरिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि सबकी एज भी एक साथ रिजनरेट हुए हैं। अब आप ये बोल सकते हो कि बीच में लोग काट भी तो देते हैं बम्बू, वहाँ तो नए नए आ गए, फिर वो क्यों नहीं डेथ हुए? तो देखो भाई, ऐसा है जैसे आपका हाथ है ना, आपकी एज 30 है, आपका टिश्यू लेकर के किसी टिश्यू कल्चर में लेके अगर आपको दूसरा भी इंसान बना दिया जाए ना, आपके से लेके जैसे जो टोटिपोटेंसी टाइप के सिस्टम्स है, तो जो दूसरा इंसान बनेगा, आपकी जो क्लोन बनेगा, उसके कैरेक्टर वही होंगे, वो भले ही आज पैदा हुआ है लेकिन उसके कैरेक्टर वही होंगे जो आपके होंगे, क्योंकि उसका जो जीनो टाइप है वो वही है जो आपका है, तो उसके जीनो टाइप की एज 30 ईयर है। अगर आपने 90 ईयर वाले का ले लिया तो उसका जीनो टाइप 90 ईयर का है, वो क्लोन 2-3 साल से ज़्यादा जिएगा नहीं, इसीलिए क्लोन ज़्यादा फैल हो जाते हैं। वैसे ही बम्बू में होता है कि बम्बू से भले ही जो राइजोम है, बम्बू का पहले तो ये देखो रीजनरेशन कैसे होता है, एक तो सीड के थ्रू और दूसरा होता है राइजोम। राइजोम जो उसका रूट वाला पार्ट होता है, उससे शकर निकालते हैं उससे, तो शकर्स के थ्रू होता है। तो भले ही राइजोम से नया प्लांट कल निकला है, लेकिन राइजोम की तो एज वही है, उसके जीनो टाइप की तो एज वही है जो बम्बू के मैन क्लम्प की है। अगर मैन क्लम्प 25 साल का है तो नया राइजोम भले ही नया स्टेम बना आज, लेकिन उसका जीनोटाइप की एज 25 साल ही है। तो अगर बम्बू अगले 5 साल बाद डेथ करेगा तो ये नया प्लांट भी अगले 5 साल बाद ही डेथ करेगा, क्योंकि जीनोटाइप उसका वही बोल रहा है। अब तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि अगर इस टाइप से आप कटिंग भी करने के बाद वहाँ पर कोई भी नया भी वेजिटेशन ग्रो किया बम्बू का, तब भी उसकी वही एज रहेगी जो पूरे पूरे फॉरेस्ट की है। दूसरा, आप देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट में ये बम्बू इतना ज़्यादा क्यों है, इसके पीछे रीजन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वो लोग क्या करते हैं कि आज यहाँ पर खेत को बंद किया और शिफ्टिंग की 2-3 साल, 2-3 साल के बाद जब इस एरिया को छोड़ के जाते हैं तो यहाँ पर होगा सक्सेशन, कौन सा? सेकेंडरी सक्सेशन। अब आपको पता है कि वहाँ पर आसपास बम्बू के राइजोम पड़े हैं, ट्री है, किसी प्लांट को सपोज वहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल टीक ले लेते हैं, टीक अगर वहाँ पर सीड गिर जाता है तो उसे वहाँ जर्मिनेट होने में स्ट्रगल, क्योंकि सॉइल पहले से ही एक्सप्लोइट कर चुके हैं। दूसरा, सीड जर्मिनेट होगा तो उसके लिए भी न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, वाटर तो चाहिए ही चाहिए, उसकी एक स्पेसिफिक ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि टीक की एज है 120 साल या 180 साल, मीन्स सॉरी 180 नहीं होके 60 साल या 80 साल, ऐसी एवरेज होती है नेचुरल, जबकि बम्बू की इतनी है नहीं। दूसरा, इसका तो पहले से राइजोम है, पहले से इसके पास सॉलिड बेस है, रूट सिस्टम है, सब कुछ है इसके पास। तो जैसे ही नया ग्राउंड मिलता है, ओपन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जल्दी जो फास्ट इनक्रोच करता है वो इसका राइजोम करता है। क्यों? ये देखो, इसके पास पहले से राइजोम, रूट सिस्टम, सब कुछ है, जबकि सीडलिंग के पास कुछ नहीं है। ये उससे ज़्यादा तेज़ ग्रो करता है। देखो, जिसकी एज जितनी छोटी होती है वो उतनी ज़्यादा तेज़ ग्रोथ करता है। तो बम्बू के कंपेयर में दूसरे बम्बू किसी को कंपटीशन में रुकने नहीं देता है, इसीलिए वहाँ पर धीरे धीरे बम्बू की डोमिनेंस हो गई। ओके, अब आप अपने नोट्स में देखोगे कि बम्बू को कटिंग के सिस्टम चलते हैं, हम जो 2-3 साल में जो कट करते हैं उसे देख लेना, इसे पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब वापस चलते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि ग्रेगेरियस फ्लावरिंग, एक फ्लावरिंग और होती है, वो होती है स्पोरेडिक। अब स्पोरेडिक फ्लावरिंग के दो कंडीशन है। कैसे? सपोज आपके पास एमपी में कोई एरिया था जहाँ पर एक टाइप की स्पीसीज ना होकर के वहाँ दूसरी स्पीसीज भी मिक्सअप था, तो क्या होगा कि बम्बू की जो स्पीसीज थी वो स्कैटर्ड पड़ी थी, एक स्पीसीज स्कैटर्ड थी, वहाँ पर 2-4 स्पीसीज और भी बीच में थी, तो जब फ्लावरिंग होगी तो पूरे जंगल एक साथ नहीं फूलेगा, केवल वही स्पीसीज फूलेगी जो 25 साल वाली है। तो इस टाइप से जब वहाँ फ्लावरिंग हो गई तो क्या स्कैटर्ड हो गई ना, इसलिए बोल दिया स्पोरेडिक। दूसरा,
एक्सेप्शनली कुछ ही स्पीसीज हैं बम्बू की जो फ्लावरिंग के बाद भी डाई नहीं करते हैं। तो उनके साथ भी यही इशू है कि वो डाई नहीं कर रही है, तो उनकी 4-5 साल बाद फिर वो फ्लावरिंग हो गई। तो उनमें तो लगभग हर 2-4 साल बाद फ्लावरिंग हो रही है और बकाए के बम्बू 25 साल बाद हो रही है। तो आप ऐसे देख लो कि बम्बू के रिमेनिंग तो कोई फूल ही नहीं रहा और ये हर 5-6 साल बाद फ्लावरिंग आ रही है इसमें। तो इसको